सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज आप लोग का ईडीबी का पेपर है, और देखिए जब आप ईडीबी का एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो कुछ बात का ध्यान रखिएगा। पहला बात का ये ध्यान रखिएगा कि ईडीबी जो है वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ऑप्शंस में आप कन्फ्यूज होंगे, एंड देर विल बी मेनी ऑप्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। दे विल बी जस्ट लाइक चाइनीज बेबीज, यू नो चाइनीज बेबीज का फेस आप देखोगे एक जैसा होता है, वैसे आप देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे जो आपको लगेगा ये भी सही है वो भी सही है। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको उस समय उस आंसर्स को टिक करना है जो सबसे ज़्यादा सही है, याद रखिएगा। और आई रिक्वेस्ट पर्सनली फ्रॉम यू ऑल कि आप जब पेपर को सॉल्व करिएगा दो बार तीन बार चार बार क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा उसके बाद ही सॉल्व करने बैठिएगा, रैंडमली मत सॉल्व करिएगा। दो बार तीन बार श्योर हो जाइएगा कि हाँ यही ऑप्शन है, उसके बाद ही टिक करना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे बात। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, उतना कोई हड़बड़ी नहीं है, बस हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई ट्राई टू मीन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।